राव विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से बातचीत की। पटवारी ने शिवराज सरकार को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार कोरोना को लेकर नहीं चुनाव को लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद प्रशासन के अधिकारी बदले और इंदौर शहर में कोरोना की महामारी उससे बढ़ी। जो कलेक्टर भेजा उन्होंने, उसने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर में प्रवेश किया, और यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कल कही। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि केंद्र सरकार फेल हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोरोना का संकट इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में आया। ये सब बातें ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है, और सारा इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। पर कांग्रेस पार्टी इस पर दोषारोपण में नहीं जाना चाहती। यहां से आगे हम फिर सरकार के साथ हैं, हर निर्देश को मानेंगे, लॉकडाउन का पालन करवाएंगे, जनता को जनजागरण कराएंगे, और 25 लाख मास्क पहले चरण में पूरे इंदौर के घर घर चौराहे चौराहे कांग्रेस पार्टी वितरित करेगी, ये हमने तय किया है। साथ ही जैसा मुख्यमंत्री जी का मोटिव था, कोरोना तो एक बहाना था, पर सांवेर चुनाव जीतना मेरा मुख्य उद्देश्य था। ये बात भी उन्होंने उनके भाषण में कही कि अगर तुलसी सिलावट वापस चुनाव नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या? अगर नहीं रहूंगा तो मैं ताकत से मुख्यमंत्री जी से, सारी कांग्रेस पार्टी इंदौर की, हमारे जिले की, आदरणीय रामेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है, इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट, हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे, ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं, एक एक कांग्रेस जन के साथ, एक एक सांवेर की विधानसभा के चुनाव के परिवार के साथ। मैं मानता हूं इस बार उन्होंने एक वक्तव्य दिया, मंत्री जी ने ये कहा कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। 40 साल ये व्यक्ति लड़ते रहे और संगठन का अपमान करते रहे, वो एक एक संगठन का कार्यकर्ता इनसे बदला लेगा, और इस बार संगठन चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा, और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे, इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर से सभी इंदौर प्रशासन से अनुरोध है कि सख्ती से नहीं, समन्वय से काम ले। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चालू किया है, FIR चालू की है, उन पर मुकदमेबाजी चालू की है, अलग अलग जगह सांवेर में लोगों को दबाया जा रहा है, अगर इंदौर प्रशासन ऐसा काम, मुख्यमंत्री गए, मैं मानता हूं कि इंदौर की जनता ने देखा है और उनको सबक सिखाएगी। चूंकि मैंने और हमारे शहर अध्यक्ष ने कलेक्टर से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता है, मैंने मैसेज किया कलेक्टर को, फोन किए, रिकॉर्ड है, पर हमें जगह नहीं मिली, समय नहीं मिला, और उनके कार्यक्रम में बन के आया था कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कोरोना को लेकर, और कांग्रेस के या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को इस मुख्यमंत्री ने अवसर ही नहीं दिया मिलने का। इनका एक तरफ ये कहना कि इस बीमारी से एकजुटता से लड़ना है, और दूसरी तरफ इस तरह का वक्तव्य देना है, मैं मानता हूं कि इनकी दोगली और दोहरी नीति को दर्शाता है। चूंकि हम इस शहर के नागरिक हैं, हमें इस शहर ने सम्मान दिया, 3-3 विधायक दिए, और हमारा दायित्व है कि हम इस शहर की इस महामारी में सरकार के साथ खड़े रहें। फिर भी पार्टी ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रोसेस चालू हो गई है। हम जो प्रशासन ने निर्णय लिए, वो सारे निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी प्रशासन के साथ खड़ी है। हम जागरूकता अभियान, जन जागरण अभियान, सरकार ने ऑटो मूट पर इस बीमारी को छोड़ दिया है। आपको मरना हो तो मरो, जीना हो तो जी सको तो जी लो, अब सरकार कोई कुछ नहीं करेगी, उसने हाथ ऊंचे कर दिए। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है, हम 25 लाख मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर कांग्रेस पार्टी बंटवाएगी, उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा, लोगों को जन जागरण लाएंगे कि आप सरकार से आस मत रखो, इंदौर शहर के वासी, अब खुद संभलो,
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हम आग्रह करेंगे जनता से कि अब हमारी इंदौर की लड़ाई जैसी स्वच्छता में जनता ने लड़ी और नंबर वन आए, इस कोरोना से लड़के हम नंबर वन कैसे आए। और जो सामाजिक संक्रमण इस बीमारी के दौरान फैल रहा है उससे कैसे बचें, इसका जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। और फिर मैं नोट, पूरी प्रोसेस में सरकार के नियमों को, प्रशासन के कानून को, प्रशासन के दिए हुए निर्देशों को कांग्रेस पार्टी मानते हुए काम करेगी, जनता को भी इस बात के लिए आग्रह करेगी। सभी भाइयों को मैं सबसे पहले तो सभी हमारे लोकतंत्र के प्रहरी और जर्नलिज्म से जुड़े हुए सभी परिवार के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि शहर से इतनी दूर हमारे छोटे से आग्रह पे आप लोग यहां पधारे। 77 दिन सत्ता परिवर्तन और सत्ता की खरीद फरोख्त के बाद मुख्यमंत्री जी, कोरोना में हमारा शहर 6वें स्थान पर देश में आ गया। उसके बाद 165 लोगों की जान चली गई, जीवन लीला समाप्त हो गई और लगभग 4000 से ऊपर लोग संक्रमित हो गए। तब जाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 77 दिन में इंदौर आए। हमें आशा थी कि कोरोना को लेकर कोई इंदौर शहर को लेकर कोई रणनीति बनाएंगे, शहर को आशा थी कि उन परिवारों से संवेदना व्यक्त करेंगे जो लोग इस महामारी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए। हमें आशा थी कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इतने दिन बाद आए हैं तो इंदौर को लेकर जो कोरोना के अलावा मरीज थे जिनने परेशानियां सही, हॉस्पिटल्स ने मनमानी की और हॉस्पिटलों ने जिस तरीके से लूट खसोट मचा दी, लोग बीमारी में मर गए क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला, उनके प्रति कोई रणनीति बनाएंगे और आगे तकलीफ नहीं हो इसकी बात करेंगे। पर निराशा हुई, दुख हुआ और इतना अत्यधिक दुख हुआ कि एक मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, चुनाव कैसे जीते और हंसी मजाक, मौत पर हंसी मजाक करके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।